उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। 16 दिन के अंदर 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बाबा केदारनाथ धाम में है। यहां तकरीबन 4,87,623 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहीं बद्रीनाथ की अगर बात करें तो 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इसके अलावा यमुनोत्री में 1,97,000 और गंगोत्री में 1,91,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए भी प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों के लिए ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा ऑफिस पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और सरकार की ओर से की गई तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश यात्रा ऑफिस के साथ साथ अन्य कई स्थानों पर भी पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक भी लिया। ये ऋषिकेश का हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, लोगों के बैठने की, यहाँ शौचालय इत्यादि की, खाने की और स्वास्थ्य के लिए, और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं, यही सब जानकारियाँ आज की हैं। और कोशिश है कि चूँकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं कि किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है और ये यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सीएम धामी निरीक्षण कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बैठकें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है सरकार जिस तरीके से सख्त है, कड़े निर्देश भी लागू किए गए हैं, तो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ अहम प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर चारधाम की बात करें, अभी जिस यहाँ पर जो है वहाँ पर जिस तरीके से जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, जो रजिस्ट्रेशन से ज्यादा जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पर पहुंच गए थे, जो है व्यवस्था चरमरा गई थी, उसको लेकर सरकार लगातार यहाँ पर कटिबद्ध रही है और सीएम खुद जो है उसमें मॉनिटरिंग करते रहे हैं। आज जो है यहाँ पर देखा जाए तो जो चारधाम रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ पे जो है सीएम खुद पहुंचे और वहाँ पे जो है स्थिति का जायजा लिया। साथ में उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे इस बार रिकॉर्ड तोड़ कह सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी अगर 15 दिन की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पे जो है अपना दर्शन कर चुके हैं। उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि जो लोग अभी कैंप में रुके हुए हैं उनके लिए जो है यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से उनको यात्रा जो है व्यवस्थित रूप से कराई जाए, उसके लिए बाकायदा जो है यहाँ पे लगातार जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पेयजल की जो है यहाँ पर जो व्यवस्था को लेकर आज पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पे बैठक की है सचिवालय के अंदर, तमाम चीजों को खुद यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज खुद जो है पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि यात्रा जो है वो व्यवस्थित रूप से चल रही है और अभी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत जो जाम की स्थिति थी उसके लिए बाकायदा जो है टीमें लगी हुई है और यात्रा जो है 31 मई के बाद जो है वो दोबारा से जो है यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे और यात्रियों को जो है लाभ मिलेगा। वही जिस तरीके से सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जिस तरीके से आपने कहा कि 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी 16 दिन के अंदर दर्शन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी लोगों को देखनी पड़ रही है और कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी सामने आई थी, तो क्या लगता है कि आगामी दिनों में जिस तरीके से यात्रा चल रही है तो क्या कुछ अहम फायदे हैं जो यात्रियों को मिल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से आज हमारी खुद पुष्कर सिंह धामी जी से भी बात हुई है, उनका खुद का कहना था कि देखिए जो जाम की स्थिति है, कुछ लोग जो है स्थानीय लोग हैं वहाँ पे, उनके रिश्तेदार पहुंचे हुए थे गाड़ियां लेकर और उन लोगों की वजह से जो जाम की स्थिति हुई है, और कुछ लोग जो है बिना रजिस्ट्रेशन के जो है वो अनावश्यक रूप से वहाँ पे घूमने की मंशा से पहुंचे हुए थे, उनको बाकायदा जो है यात्रा से वापस भेज दिया गया है। और यात्री की जो बैरिकेडिंग जहाँ पे चेकिंग पोस्ट लगाई गई है परिवहन विभाग की ओर से, उनको बाकायदा सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो और जिस तारीख का रजिस्ट्रेशन है
उसी यात्रा करने के लिए उनको जो है आगे के लिए सर्टिफिकेट दिया जाए, और बाकायदा यात्रा से पहले जो है जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनका बाकायदा जो है मेडिकल चेकअप किया जा रहा है कि उनको कोई परेशानी ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस समय जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है वो तापमान में बढ़ोतरी की आ रही है। तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण जो है ऊपर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और जिससे हृदय गति रुकने के कारण काफी लोगों की जो है मौत की भी यहाँ पे जो है सूचनाएं आ रही है। जी ठीक है, अवनीश गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।